2023 और 24 के लिए पेश हुए केंद्र सरकार के बजट पर मंडी वासियों ने प्रतिक्रिया दी है। किसी ने इस बजट को नकारा है तो किसी ने तारीफ भी की है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बजट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अमीरों उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद है। लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में हिमाचल के लिए कुछ विशेष मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं बजट को युवा वर्ग ने आम लोगों के लिए 20% फायदेमंद बताया है। देखिए क्या कहना है मंडी वासियों का। तो भारत सरकार का जो मौजूदा बजट है वो मुझे जहाँ तक लगता है आम पब्लिक के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, और वो अमीरों के लिए जो पहले से ही चला आ रहा है, जिनके पास खास संपत्ति है वो बटोर रहे हैं, वो उनके लिए ही फायदे हैं। आप देख रहे हैं कि हर चीज में बड़े इंडस्ट्रीस्ट है उनको छूट दी जा रही है, उनको टैक्स में छूट दी जा रही है, उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं, और आम पब्लिक जो चाहती है, जो डेली नीड्स है आम पब्लिक की, उन पे जो है वैट बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं, तो उनको कम किया जाए और आम लोगों के बारे में सोचे सरकार। तो जो 2023 और 24 का जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पिछले कल किया गया है, जो ये बजट आया इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो टैक्स स्लैब की है। जो टैक्स स्लैब के बेनिफिट्स या घटाए हैं उन्होंने, वो सबसे अच्छी चीज है। और दूसरा, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए जो बजट निकाला गया वो भी बहुत सराहनीय है। परंतु सबसे बड़े दुख की बात जो है वो फिर से बात वही आती है कि युवा स्तर पे, युवा स्तर के लिए बजट फिर से नहीं मिला कुछ भी। ना युवाओं के लिए कोई ऐसा प्रावधान निकाला गया कि युवा कहीं अच्छे स्तर पे खड़ा हो सके। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह चीज जरूर बोली कि युवाओं के लिए हम स्टार्टअप की पॉलिसी करते हैं, परंतु स्टार्टअप पॉलिसी में हर युवा बेनिफिट नहीं ले पाता है। युवाओं के हक के लिए बजट ना कभी पहले आया है, ना ही कभी केंद्र सरकार सोचती आई, ना ही प्रदेश सरकार सोचती है। अभी जो केंद्रीय बजट कल पेश किया गया है उसमें हिमाचल को लेकर के कोई ऐसी बड़ी घोषणा मुझे दिखाई नहीं दी जिससे ऐसा लगता हो कि हिमाचल के हितों का ख्याल रखा गया है। खासकर हमारे हिमाचल को इस पर श्रेणी जो होती है रेलवे लाइन को लेकर, क्योंकि लंबे समय से मुद्दा चला हुआ है कि हिमाचल में लेट हो गया है रेलवे लाइन पहुंचाई जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ खास बजट में कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आया।